औद्योगिक राजधानी इंदौर रविवार रात टीवी इंडस्ट्री के सितारों की चमक से जगमग रही। नेहरू स्टेडियम में हुए इंडियन टेलीविजन अकेडमी आईटी अवार्ड्स में जहां टीवी सितारों को पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं मन मोह लेने वाली उनकी स्टेज परफॉर्मेंस ने शहरवासियों का भी दिल जीत लिया। नृत्य, गीत, संगीत, कॉमेडी, राजनीति और उपलब्धियों का यह मंच शहरवासियों के दिल में कई सुनहरी यादें सजा गया। यह क्रम की शुरुआत शहर के लोकप्रिय नृत्यांगना रागिनी मक्खर और उनकी टीम के नृत्य के साथ हुई। उनके साथ गीतों की प्रस्तुति दी आकृति मेहरा ने। न्योरा मध्य प्रदेश गीत पर दी गई इस प्रस्तुति ने मंच पर मध्य प्रदेश की विरासतों और संस्कृति का दृश्य प्रस्तुत किया। इसके बाद अभिनेत्री पूजा बत्रा ने बेटी एनजीओ के लिए टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ रैंप वॉक किया। इसमें फीमेल एक्ट्रेस ने आभा चौधरी और मेल एक्ट्रेस ने नितिन सिंह की ड्रेस पेश की। और इंदौर वासियों के लिए और यूथ के लिए क्या संदेश जाएगा? इंदौर में जब भी आता हूँ बहुत खुशी होती है, एंड इस बार इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि आईटीए पहली बार यहाँ पे हो रहा है। इंदौर की जनता हमेशा बहुत ही अच्छी जनता रही है, मेरे को हमेशा आना अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत खुश हूँ, एंड अभी अवार्ड फंक्शन है, अंदर मेरा नॉमिनेशन है, तो आई होप आई विन अवार्ड। सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहता है कि इंदौर में आप घूमे हैं, सब कुछ गए, तो आपको यहाँ पर क्या इत्यादि लगा और क्या चीज आपको पसंद आई? यार मैं आज तो हम सुबह ही आए हैं, दोपहर को ही आए हैं, तो ज्यादा घूम नहीं पाया हूँ, बट सराफा जो है मैं वहाँ पे जाने का सोच रहा हूँ। रात को वहाँ पे पूरी खाऊ गली जो होती है वहाँ पे जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, क्योंकि इंदौर का खाना और जो नमकीन है वो बहुत फेमस है। सर शहर में 144 लगे फिर कैसे खा पाऊंगे? हम कोशिश करेंगे, देखो जो हो जाए वो। ओके थैंक यू। इंडियन आइडल के प्रतिभागियों ने गीत पेश किए। सनी ने आफरीन और रोहित राउत ने हसीना जुल्फों वाली पेश किया। इसके बाद कीको शारदा की कॉमेडी ने सबको हंसाया। उन्होंने सनी देओल को लुक में खूब मजेदार डायलॉग्स बोले। कृष्णा अभिषेक ने भी कॉमेडी के दौर को आगे बढ़ाते हुए जैकी श्रॉफ की मिमिक्री कर लोगों को खूब हंसाया। कार्यक्रम में मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। मंत्री पीसी शर्मा ने इस कार्यक्रम को इंदौर में आयोजित करने के लिए सोनी टीवी को धन्यवाद किया।